मान दे सकता हूं, तू दे सकता है, तू आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। उसको समझ में आया क्या करेगा तू? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। कैसा होगा मूवी के लीड का किरदार? क्या नए एक्टर्स कायम रख पाएंगे ओरिजिनलिटी? क्या अजय के प्रोडक्शन हाउस में बनेगी मूवी? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बट द बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है दिल वाले टू मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो आए दिन फिल्मी दुनिया से जुड़ी कई सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आती ही हूँ, लेकिन बदले में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपसे इतना भी नहीं होता, कर दो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। किसी भी मूवी की कामयाबी के पीछे कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और उनमें से जो सबसे अहम फैक्टर होता है वो है मूवी का लीड एक्टर और उसका किरदार। और अगर लीड की एक्टिंग और किरदार लोगों को पसंद आई तो मूवी हिट समझो। जैसे कि दिलवाले मूवी में अजय देवगन और सुनील शेट्टी दोनों का किरदार भी अच्छा था और उनकी एक्टिंग भी बेस्ट थी, और इसी वजह से मूवी हिट हुई थी। सुनील का पुलिस इंस्पेक्टर वाला रोल और अजय का एक एंग्री यंग मैन टाइप वाला रोल सबको काफ़ी पसंद आया था। अब जब दिलवाले 2 की बात हो रही है तो ओरिजिनल की तरह ही लीड एक्टर का किरदार ही है जो मूवी को हिट कराएगा। अब मूवी में एक लीड होता है या दो, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ओरिजिनल की तरह ही दो लीड एक्टर्स नज़र आने वाले हैं, क्योंकि हमेशा ही एक से भले दो होते हैं। इन दोनों का ही किरदार दो दोस्तों का या दो पार्टनर्स का हो सकता है जिनका एक ही मिशन होगा, क्रिमिनल्स को पकड़ना। सुनील और अजय की फ्रेंडशिप और केमिस्ट्री मूवी की सबसे अच्छी हाईलाइट थी कि कैसे सुनील अजय से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी मदद उन्हें बिना जाने करते हैं। ऐसा ही फ्रेंडशिप हमें नए कलाकारों के बीच भी देखने को मिल सकता है जिनकी दोस्ती हमें फ्रेंडशिप गोल्स देगी, और उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सेक्रीफाइस को देखकर हम इमोशनल हो जाएंगे। अब जिस मूवी में इतने सारे इमोशंस एक साथ हों और जिसका कैटेगरी दोस्ती वाला हो, उसे भला हिट होने से कौन रोक सकता है? जो भी एक्टर्स अजय और सुनील की जगह लेंगे उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मूवी की ओरिजिनलिटी को बरकरार रखना। दिलवाले मूवी अजय के करियर की खास फिल्मों में से एक थी, तो हो सकता है कि अजय की मूवी उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाए और अजय इस मूवी के प्रोड्यूसर बने। आज तक कई सारी सक्सेसफुल और हिट फिल्में बनी हैं अजय देवगन फिल्म्स के अंडर। राजू चाचा से लेकर गोलमाल रिटर्न्स और सिंघम जैसी फिल्मों ने इसी प्रोडक्शन हाउस में जन्म लिया है, और दिलवाले 2 भी अब बहुत जल्दी इसी लिस्ट में शामिल होने वाली है। सो गाइज, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीज़न से आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कल्ट क्लासिक मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।